नमस्कार, सुरमे टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली हाई कोर्ट में सिसोदिया की जमानत पर फैसला आज। ईडी ने कहा था वे पत्नी के अकेले केयर टेकर नहीं, हाई कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट मंगाई। चार धाम तीर्थयात्रियों की संख्या 20 लाख के पार और 20 लाख अब भी कतार में। भीड़ कंट्रोल करने केदारनाथ के रजिस्ट्रेशन 15 जून तक बंद। WTC से टेस्ट में 18 महीने बाद रहाणे की वापसी, बोले IPL स्पेशल उसी जज्बे से टेस्ट भी खेलूंगा, नहीं सोचनी बीती बातें। मॉनसून नहीं पहुंचा केरल, मौसम विभाग बोला 3-4 दिन की और हो सकती है देरी, पहले 4 जून को पहुंचने तक का था अनुमान। मणिपुर में फिर हुई हिंसा, काकचीन जिले में 100 घरों और कांग्रेस विधायक के घर में लगाई आग, BSF की पोस्ट पर मोर्टार से हमला। ओडिशा हादसे के 51 घंटे बाद ट्रैक शुरू, पहली ट्रेन गुजरी तो रेल मंत्री ने हाथ जोड़े, कहा अभी लापता लोगों को खोजना बाकी। ओडिशा के बरगढ़ में मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतरे, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। 3 दिन पहले बालासोर में टकराई थी 3 ट्रेन। हेमकुंड साहिब से 1 किलोमीटर पहले टूटी बर्फ की चट्टान, हादसे में 5 तीर्थयात्रियों का किया गया रेस्क्यू, वहीं एक महिला का मिला शव। वेटरन एक्ट्रेस सुलोचना लाटकर का निधन, 14 की उम्र में हो गई थी शादी। देवर जॉनी मेरा नाम, मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों में किया था काम। महाभारत में शकुनी का किरदार निभाने वाले गूफी पेंटल का हुआ निधन, 78 साल की उम्र में ली आखिरी सांस, बॉर्डर पर करते थे रामलीला। देश प्रदेश की खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए सुरमे टाइम्स के साथ। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।